Original वालों को भी दिखा दिया जाता है खुतिन का रुझान कम है आर्मी की तरफ जाने का कि ये एक्चुअल स्टोरीज है रिप्रेजेंटेशन थी कि इन जनरल हमारे यहाँ खातन को क्या क्या मसले होते हैं एक डाइवर्सिटी दिखाने की कोशिश की गई थी सिंफेहन एक प्रोपोगंडा हम पाकिस्तानियों का ऐसा है कि टॉप गन एक शाहकार फिल्म है लेकिन सिंफेहन एक प्रोपोगंडा महमूर आयान और सी सी जेड की इस खास प्रोडक्शन में आज हम इसी बारे में बात करेंगे पिछले कुछ अरसे से हमें देखने में मिले जब भी आई कोई प्रोडक्शन करती है वो चाहे कोई गाना हो कोई ड्रामा हो कोई फिल्म हो तो फ़ौर से एक बहस शुरू हो जाती है कि ये इनका काम नहीं है ये क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे मकसद क्या है ये प्रोपोकंडा करना चाह रहे हैं आ, ऐसा ही है होता भी है दुनिया जहान में ऐसे होता है कभी हमने गौर किया है कि क्यों गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही ज़्यादातर अमेरिका में एक्शन फिल्में रिलीज़ होती हैं जिनमें ख़ास तौर पर उनके आर्मी की एयरफोर्स की नेवी के हवाले से फिल्में होती हैं पीछे मकसद एक ही होता है कि उस दौरान में हर साल होने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी जान मतवो किया जाए तो जहाँ तक रही बात आई की प्रोडक्शन की तो उनके पीछे भी कहानी कुछ इसी किस्म की होती है द लेजेंड इज़ जया के दौर के बाद आई एस पी आर ने रियलाइज़ किया कि आर्मी के इमेज को एक अपलिफ्ट की ज़रूरत है एक बहुत ही रिगेड इमेज बन चुका हुआ है आफ्टर सेवेंटी वन का डिपैकल और उसके बाद जया साहब का दौर और इस दौरान आर्मी की इमेज को बेहतर करने की ज़रूरत है एक नई दहाई शुरू हो रही है उसके हवाले से आ, इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत है तो उस वक्त आई ने आई ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था सुनहरे दिन शुय मंसूर उसके प्रोजेक्ट के हेड थे और उसमें आर्मी की लाइफ के हवाले से जो पी के अंदर एक लाइफ होती है आर्मी के कैडेट की उसके हवाले से दिखाया गया है एक मनचला सा नौजवान किस तरह से डिसप्लेंड हो जाता है वहाँ जाके और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बनी उसका सीक्वल हमें 1998 में देखने को मिला अल्फा ब्रावो चार्ली की शक्ल में अब कोई कोइंसिडेंस कह लें कि ये उन्हीं दिनों में ड्रामा ऑन एयर हो रहा था जिन दिनों में हमने एटॉमिक टेस्ट किए थे सो so, ज़रूरत आर्मी को उस वक्त नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए लोगों को आ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की तो थी ही बीच में ये वाला मामला भी हो गया 2007 की अगर बात करें तो विल्को के नाम से एक ड्रामा सीरियल हमें देखने को मिला लेकिन वो कुछ ज़्यादा तोजो हासिल नहीं कर सका यह पहला मौका है कि लेडी कैडेट्स जिनको एलसी कहा जाता है पीएमए की लैंग्वेज में उनके ही लाइफ के हवाले से एक ड्रामा सीरीज़ इस तरह से बनाया गया इसकी क्या वजह है आ, थोड़ा सा पहले हमने मायरा ख़ान को एक थी निगार में देखा ये पहला मौका था कि एक सर्विंग uh, ऑफिसर की लाइफ के ऊपर एक इस तरह से ड्रामा या फिल्म या टेलीफिल्म बनाई गई कहा यही जा रहा है कि पिछले कुछ अरसे से ख़ीन का रुझान कम है आर्मी की तरफ जाने का तो उस रुझान को बहाल करने के लिए आ, एक इसको भी एज ए यू से प्रोमोशनल टूल के तौर पर यूज़ किया गया सिंफ स्टोरी है छ खुन की छः लड़कियों की आ, सुनने में यही आया था कि ये एक्चुअल स्टोरीज़ हैं क्योंकि जिनमें एक डाइवर्सिटी दिखाने की कोशिश की गई थी कोशिश की गई थी कि तमाम सूबों को एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन uh, मिल जाए बलूचिस्तान से परीवह जमाल की स्टोरी थी जो कि कबायली इलाके से आई थी और जहाँ पे आ, आर्मी में तो जाना दूर की बात ख़ी के या लड़कियों के पढ़ने पर भी काफ़ी पाबंदी हुआ करती है आ, ये किरदार रमशाह खान ने प्ले किया उनके वालदे का किरदार जिन दो अदाकारों ने प्ले किया जो कि पी टी वी बोलान के ही अदाकार हैं उनका ताल्लुक़ कोटा सेंटर से ही है उनकी अदाकारी बहुत जानदार थी तो उनमें वो उनके बोलने में उनके चलने फिरने में उनकी बातचीत करने में वो एलिमेंट ऑफ मेकअप या मेडअप नज़र नहीं आया जो कि हमें बाज़ मौक़ों पर रमशा के एक्सेंट में महसूस हुआ दूसरी कहानी आ जाती है फिर के पी के पी में पेशावर में बेस्ड एक फैमिली है जो कि वो भी कबायली इलाकों से माइग्रेट करके वहाँ आए हैं शाइतः खानजादा की कहानी अगेन uh, वही मामला के ख़ीन के पढ़ने पे बब, की में भी पाबंदी है लेकिन उसके बावजूद जब वो शहर शिफ्ट होते हैं तो उसने uh, मास कम्युनिकेशन में डिग्री भी ली और अब वो अपने कज़न को तैयारी करवा रही है आईएसएसबी की तैयारी करवा रही है लेकिन वो कज़न नहीं जा पाता और ये छुप के जाके आईएसएसबी का टेस्ट देके पास हो जाती है लाहौर में जहनाबादाद की कहानी दिखाई माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली आरजू डैनियल जो कि एक रिप्रेजेंटेशन थी कि इन जनरल हमारे यहाँ ख़वान को क्या क्या मसले होते हैं किस किस किस्म की मुश्किल से गुजरना पड़ता है स्पेशली लाहौर या पंजाब जैसे अर्बन पंजाब जैसे एरियाज़ में और अगर आपका ताल्लुक माइनॉरिटी से तो आपके किस किस किस्म के मसाइल हो सकते हैं सो so, उसकी रिप्रेजेंटेशन सहरा यूसुफ़ ने की इस्लामाबाद की ही दो लड़कियाँ थी लेकिन उनमें से एक का ताल्लुक कराची से दिखाया गया था कहानी में सजद अली ने उसका किरदार प्ले, प्ले किया आ, रबिया का जो किम नॉट मिस्टेक इंजीनियरिंग कर चुकी हैं लेकिन उसके साथ के जितने भी लोग थे वो खुद बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी टॉपर थी लेकिन उसके साथ के जो लोग थे वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है इसी दौरान उसने सोचा कि क्यों ना आर्मी में जाया जाए और वहाँ पर भी उसका वही एम था कि मुझे यहाँ पर भी टॉप एल बनना है उसी की एक दोस्त होती है जिसके साथ उसकी काफ़ी अच्छे से एक लड़ाई हो चुकी तो फ्रेंडशिप टर्न इन टू एंड एन एनिमेटी वाला एलिमेंट होता है जो कि कुबरा खान ने प्ले किया आम, महाजबीन मस्तान का करदार जिस जो कि लॉ लॉ की डिग्री होल्ड करती है उसका प्लान है कि अगर ये नहीं होता आर्मी वाला काम तो आई आई टेक माइग्रेशन आई आई गो टू कैनेडा अच्छा इन तमाम कहानियों में अगर uh, मेरे से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग करेक्टर किसका था या सबसे ज़्यादा कहानियाँ आई एस बी के आई एस बी हो गया या पी एम ए हो गया तो वो किसके साथ ही तो वो महाजबीन मस्तान का करैक्टर स्टैंड आउट करता है उस बेचारी के साथ कोई ना कोई मसले ही रहते हैं उसके बालों का कलर तब्दील करवाना हो सर में दो सौ पिन्स वाला मामला हो यूनिफॉर्म के मसले मसाइल हों उनका सल्यूट टेस्ट पास ना करना हो और फिर एक दिन गुस्से में आगे सोच ये फैसला कर देना कि मुझे यहाँ नहीं रहना मुझे जाना है और फिर आ, जब उनको चीज़ का एहसास दिलाया गया कि यहाँ से चले तो जाओगे लेकिन हर मोड़ के ऊपर लूज़र लिखा हुआ होगा और फिर उनका रुकना और फिर अपने इस काम को सीरियसली लेना अपनी डिवोशन शो करना एंड इवेंचुअली एक मेडल भी ले लेना नहीं। एक स्रीलंकन कैडेट भी थी यहाँ पे जो कि जिस तरह एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के इसी तरह से वो छः माह की ट्रेनिंग अपनी श्रीलंका की मिलिट्री अकेडमी में लेके पाकिस्तान में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए आई थी नैतमी उनका नाम था ड्रामा में जबकि किरदार अदा किया था जिहली ताशिया नाम था उनका आई होप मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ फिर उनकी भी एक स्टोरी थी कि वो उनके फ़ादर के कोई दोस्त थे यहाँ पे वो भी आर्मी की में थे और वो भी वहीं से ही से ट्रेनिंग लेके गए थे तो उनको उनकी भी तलाश थी कि उनके भी जो दोस्त थे उनसे मिलना था उनको और कहानी को हम छः हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं पहले जो चंद एपिसोड हैं इस ड्रामा के एक से लेकर पाँच एपिसोड जो हैं वो पहली पाँच जो पाकिस्तानी कैडेट्स हैं के हवाले से हैं किन किन मसाइल का सामना था उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसा चल रहा था और फिर किस तरह से उन्होंने फैसला किया पी एम ए जाने का या आर्मी को ज्वाइन करने का एपिसोड सिक्स से लेकर टेन तक जो है फिर उनकी पी एम ए की लाइफ के हवाले से शुरू हो जाता है एपिसोड सिक्स में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं जो लेडी कैडेट हैं श्रीलंका से वो इंट्रोड्यूस हो जाती हैं और फिर इन लोगों का आई एस एस बी क्लियर करना और फिर वहाँ जाना और फिर वहाँ पर उनके पी टी ड्रिल्स शुरू होना और शुरू के दिनों में जब उनको लग रहा था कि बस ये जो हमारे अभी जिस किस्म से हमारा अभी यहाँ पे वेलकम हुआ है हमारा फेयरवेल भी इसी किस्म का ही होगा लेकिन वो जैसे ही वो गेट क्रॉस करते हैं वो सारे खाफ टूट जाते हैं पता चलता है यहाँ पे तो कमरे भी कमरे भी इस तरह के हैं यहाँ पे रहना भी इस तरीके से है यहाँ पे लाइफ कितनी मुश्किल है रगड़े किस किस्म के लगेंगे एपिसोड 11 से 15 तक तक जो है उनकी ट्रेनिंग काफ़ी प्रोसीड कर चुकी होती है ये वो पॉइंट होता है कि जब एल uh, सीज़ को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर लें uh, इससे पहले उनको अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की इस तरीके से इजाजत नहीं होती फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इट्स आई दन मंथ और थ्री मंथ आई एम नॉट श्योर बट एक टाइम होता है उसके बाद उनको कहा जाता है कि अपनी फैमिली को खत लिखें लेजेंड uh, यही है कि वो खत स्क्रीन होते हैं फैमिलीज तक जाने से पहले अलेवन uh, से फिफ्टीन ही वो टाइम होता है कि जिसमें इन लोगों के सल्यूटिंग एंड मार्चिंग टेस्ट होते हैं uh, सेलूट टेस्ट का ऐसा है कि अगर आप पास कर लेते हो तो फिर आपको छुट्टी मिलती है तमाम एल सीज अपने सेल्यूट टेस्ट पास कर पास कर लेती हैं लेकिन एल सी महाजमीन सेलूट टेस्ट पास नहीं होता उनको रुकना पड़ता है बाकी सब छुट्टी चले जाते हैं उनको फिर अगेन वो टेस्ट दे के फिर एक आध दो दिन की जो छुट्टी मिलती है वो फिर वही छुट्टी उनको मिलती है इस दौरान ये दिखाया गया कि जो एल सी रबिया हैं वो श्रीलंकन कैडेट को अपने साथ इस्लामाबाद ले जाती हैं स्पेशल परमिशन ली जाती है उसके लिए साइड स्टोरीज़ थी वो बड़ी हद तक मेन स्टोरी के साथ इंटीग्रेट होके चल रही थी उसमें चाहे रबिया के भाई दानियाल की कहानी हो बैक स्टोरी जो थी कि किस वजह से महाजबिन और रबिया की लड़ाई होती है किस तरीके किस वजह से वो दूसरे से बात करना तक पसंद नहीं करते उस पॉइंट तक बात किस तरह से पहुंची आरजू डैनियल का जो किरदार है उसकी ज़िंदगी में जो मसले मसाइल थे आ, फैमिली के हवाले से जो मसले मसाइल थे वो किस नहज पे आ गए कि उनके जो कमांडेंट थे जो जिसका किरदार शजार मुनवर ने अदा किया उनको बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा और उस मसले को हल करना पड़ा और वहाँ पे एक बड़ी ख़ूबसूरत बात थी कि जब वो मसला हल हो जाता है और जो, जो मसला कर रहा होता है उसको शहजार मुनवर एक बात कहते हैं कि वी आर ए फैमिली कि अगर आप किसी एक के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करते हो तो आप समझ लो कि पूरी फैमिली के साथ बुरा कर रहे हो फिर हम एज ए फैमिली आपके साथ उसका हिसाब चुकता करेंगे सो so, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई थी चीज़ की एक चीज़ जो आरजू डैनियल को इस पॉइंट पे ले आई थी कि वो आ, आर्मी क्विट करने के बारे में सोचने लग गई शहजार मुनवर की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने भी आ, मेजर उसामा का किरदार बड़े अच्छे तरीके से अंदाज किया अदा किया कई सीन्स थे जहाँ पर उनकी उनका रोल बहुत पावरफुल और जानदार लगा वो चाहे वो आ, कौमी तरह के मफहम वाला पार्ट हो जहाँ पर लिटरली ही गेव गूस बम्पो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि कौमी तराने का मफहूम क्या है या उनकी फैमिली लाइफ के हवाले से जो पॉइंट थे कि किस तरह से उन्होंने शहीद की बेवा से शादी की उनकी बेटी को अपनाया वो एक एलिमेंट बहुत अच्छा था सोनिया मिशाल की अदाकारी जो कि एक उनके अनाउंसमेंट भी खैर एक तरह से लेट ही हुई थी पहली आ, जो मिलिट्री वाली पाँच खुवात थी, थी उनको तो इंट्रोड्यूस इस पर करवा दिया था इनकी इंट्रोडक्शन uh, जो थी वो इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू ही हुई थी उससे शायद उससे भी अंदाज़ा हो गया था कि ये उसमें किसी मिलिट्री ऑफिसर का किरदार अदा नहीं कर रही इनकी डिफरेंट स्टोरी और एंड पे वो भी दिखाया गया दिखाई गई कि उन हाउ शी डिसाइडेड टू मूव ऑन विद लाइफ तो उनकी जो जहनी स्ट्रगल थी उस उसको भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था इसके अंदर वो साथ साथ लेके चली गई थी सो so, एपिसोड 20 से लेके 21 से लेके 23 तक इस दौरान uh, ट्वेंट प्रीवियस एपिसोडस में आसिम अजहर का किरदार भी इंट्रोड्यूस हो चुका होता है ट्वेंटी वन से लेकर ट्वेंटी थ्री तक की जो एपिसोड्स हैं इनमें उनकी फ़ाइनल ड्रील्स के हवाले से आप समझ लें कि सालाना इम्तहान वाला सीन होता है उनकी जितनी भी फ़ाइनल एक्सरसाइज होती हैं आ, पासिंग आउट परेड की तैयारियाँ हो रही होती हैं वो डिसाइड हो रहा होता है उनकी जो एकेडमिक मेडल्स होते हैं वो तकसीम हो रहे होते हैं डिसाइड ये होता है कि सिंस एल सी रबिया इज़ द टॉपर तो वो रेड को लीड करेंगी ऑन द पासिंग आउट डे लेकिन उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो मैं स्पॉयलर नहीं देना चाहता जिसकी वजह से वो शी बिकम्स इन डिसाइसिव के मुझे ये करना चाहिए कि नहीं इवन के ऑफिसर्स रैंक के हवाले से वो शाह मुनवर हों या उनकी जो लेडी कमांडेंट हों उनमें भी ये डिसीजन होता है कि सो अगर उनकी जहनी हालत इस तरह की नहीं है तो वी शुड वश वश गोविंद एल सी महाजबीन मस्तान अब वहाँ पर इन दोनों की थोड़ी थोड़ी बातचीत होनी शुरू हो चुकी होती है लेकिन उस पॉइंट पे जाके एल सी महाजबीन का एल सी रब्या को कन्विंस करना मनाना कि नहीं तुम ही ये करोगी वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ था देन फाइनल एपिसोड फाइनल एपिसोड में यही था कि किस तरीके से उनकी पासिंग आउट ट्रेड होती है किस तरह से उनके घर वाले आते हैं एवरी वन इज़ सो प्राउड ऑफ दैम एंड देन पास आउट होने के बाद सब अपनी अपनी असल पे वापस जाते हैं एक मरतबा शाइस्त खान ज़्यादा जाके एक स्कूल का कर इफ्ताह करती है जो कि उसके मंगेतर ने बनाया होता है यहाँ पे मैं पहले जिक्र करना भूल गया था जुन जुनेद जमशेद न्याजी जो कि अंडर सिक्सटीन क्रिकेटर थे और अब वो फिर मॉडल बने और अब उन्होंने टी वी ड्रामा एक्टिंग का डेब्यू किया है विद वस ड्रामा जुनेद का जो रोल था इस ड्रामा के अंदर वो इस लिहाज से थोड़ा मुख्तलिफ था और शुरू के एपिसोड्स में उसको इतनी तवज्जो और इतनी मोहब्बत मिली व्यूअर्स की जानिब से क्योंकि वो उस वक्त तक जितने भी मर्द किरदार थे वो उस तरह से सपोर्टिव नहीं थे टुवर्ड्स द वुमन जो आर्मी में ज्वाइन करना चाहती थी और ये रिस्क लेके उसको अपने साथ गुजरा वाला लेके जाता है उसकी आईएसएसबी की टेस्ट के लिए एंड देन जब उसने वापस आना होता है अपने गांव छुट्टी पे तो उसको लेके भी आता है जब वो कहती है कि चूँकि वो ख़ुद पढ़ा लिखा नहीं होता ज़्यादा तो जब वो शाइस्त खान ज्यादा उसको कहती है कि मंगनी तोड़ दो अगर मेरे लिए कर सकते हो तो वो मंगनी तोड़ने पर भी रज़ामंद हो जाता है सो वो एक स्कूल बनाता है शाइँ खान ज़्यादा के नाम पर अपने गाँव में ताकि लड़कियाँ भी तालीम हासिल कर सकें सो so, आखिरी में ऐसा होता है कि उस स्कूल का अफ्ताह शाइता खान ज़्यादा करती हैं आरजू डैनियल वापस जो है नाबाद आती हैं उनका जिस तरीके से इस्ताल होता है परी जमाल जो कि अपनी पी एम ए में बेस्ट शूटर बनती हैं नॉट जस्ट अमंग वुमेन बट ऑल्सो जेंटमेन कैडेट्स पूरी कोर्स को हरा कर बेस्ट शूटर का शूटिंग कॉम्पटिशन में इनाम लेती हैं सो so, इलाक़े के सरदार का किरदार जो कि वाई बी क्यू ने प्ले किया है और वो बड़े जानदार सरदार नजर आए मतलब बारोब किस्म के सरदार नज़र आए इस तो पूरे ड्रामे में तो सो so, वो एक शूटिंग कंपटीशन रखते हैं अपने कबीले में ये देखने के लिए कि कितनी अच्छी आ, आ, इनकी निशानाबाजी कितनी अच्छी है इसी दौरान इस इसी शूटिंग की एक स्टोरी के अंदर ये होता है कि आ, जब वो पूरे कोर्स को हराती है तो उसके बाप की जो ज़मीन सरदार के पास गिरवी रखी हुई होती है वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसका भी फ़ैसला हो जाता है सरदार उस ज़मीन का भी फ़ैसला कर देता है जिस तरीके से उस परिवार जमाल और जमाल के किरदार को दिखाया गया कि वो बाप बेटी की एक बॉन्डिंग है कि वो किस तरीके से अपनी बेटी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए रिस्क ले लेता है कबीले के ख़िलाफ़ जा के छुप के सरदार की नाराज़ी को મોલ લે લેતા હે લેકિન સિફ ઇસ લિયે કે ઉસકી બેટી કુછ જો કરના ચાહતી હે વો કર લે સો વો એક બહોત પહેલે મેં બતા ચુકા હું કે ઇન ઇન જો પીટીવી બોલાન કે જો દોનો اداکار تھے انકી اداکاری બહોત જાનદાર થી ઉનમે વો اداکاری والاエレमेंट મે બહોત કમ દેખને કો મિલા વો બહોત નેચરલ મહેસૂસ હો રહે تھے બીકોઝ ઉનકા એક્સેન્ટ વેસા થા ઉનકા બોલને કા અંદાઝ વેસા થા ઉન મેનરિઝમ ઉસ કિસમ કી થી કે ઉનકો અંદાઝા થા pata tha wo actually कर क्या रहे हैं माजबिन मस्तान का वापस अपने उसी तरीके से एक बिलोंग्स टू वेरी एक मतमल खानदान से उनका ताल्लुक होता है तो वो उसी तरीके से उनके आ, आर्मी ऑफिसर बनने को सेलिब्रेट किया जाता है अगर माजबिन मस्तान की बात की जाए तो उनके वालदे का किरदार अदा किया था सबा हमीद और उस्मान पीर ने। उस्मान पीर ज़्यादा के जहाँ तक बात की जाए तो जिस किस्म की, की उनकी शख्सियत है उससे महसूस नहीं होता कि ये इतनी इनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी होगी वो जब भी किसी भी कॉमेडी किरदार में वो नज़र आते हैं तो बहुत इम्प्रेस करते हैं सो इसमें भी उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो इतने अच्छे थे कि कई मौक़ों पे उन्होंने हमें बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा मीम मटेरियल प्रोवाइड किया बगैर कुछ बात के अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ही वो पूरे सीन में उनको को को, को जानदार बना दिया करते थे इसी स्टोरी के अंदर अली रहमान ख़ान थे बहुत छोटा छोटा सा रोल था उनका बट इट वाज वेरी मच अली रहमान खानिश टाइप ऑफ अ रोल बात कर ली जाए रबिया की तो उनकी वही होती है स्टोरी उनके भाई मेजर दान्याल के हवाले से आ, एंडिंग उसी हवाले से होती है मैं स्कॉलर नहीं देना चाहूँगा उस्मान मुख्तार ने किरदार अदा किया था मेजर दानियाल का छोटा सा रोल था लेकिन वो एक एस एस जी कमांडो का रोल था जिस जैसे सीन में वो आए जि, जितना उनसे रिक्वायर्ड था उतना गुड था अ, अच्छा था आ, रबिया का किरदार की अगर बात की जाए तो इनकी वालदा का किरदार अदा किया था गज़ाला कैफी ने गज़ा कैफी लास्ट टाइम हमें 2017 में ड्रामा में नज़र आई थी नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा लेकिन इस चार पाँच साल के वक्फे के बाद एक साथ तीन ड्रामों में हमें नजर आईं वो किस्सा मेहरबानों का हो इश्ला हो और फिर सन्फेहान हो ड्रामा की प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन की जहाँ तक बात की जाए तो आई एस आई की प्रोडक्शन तो ये थी ही लेकिन इसके साथ में नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट और सिग्मा भी इन्वॉल्व हुए थे डायरेक्शन इसकी दी थी नदीम बेग ने जो कि एज ए डायरेक्टर किसी भी किस्म की तारीफ़ के मोहताज नहीं है जो कि अब तक कई शानदार ड्रामों के साथ साथ हमारी फिल्मों के रिवाइवल में भी एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं उमैर है अहमद की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी राइटिंग को पिछले कुछ अर्स में डाइवर्सीफाई किया है पिछले कुछ अरसे में वो चाहे बागी हो चाहे वो एक थी निगार लिखना हो उन्होंने इस हवाले से भी अपने अपनी राइटिंग को डाइवर्सिफ़ाई किया है सो सिनफान भी उन्होंने लिखा जिस खूबसूरती से उन्होंने तमाम लेडी कैरस के जो खतूत थे लिखे आ, उन उनको जिस तरीके से उनके ख्याल जो उनकी ज़िंदगी में चल रहे थे और उनकी पी की लाइफ और जो उन्होंने अपनी फैमिली को बातें बतानी थी अपनी फैमिली के किसी एक मेंबर से मुखातिब होना था लेकिन उस दौरान उन्होंने अपनी ज़िंदगी पे एक मजमून लिखना था उस मजमून को बहुत खूबसूरती हुँ, से इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया एंड पे जब तमाम कैडेट्स अब कामयाब होने के बाद अपना अपना एक शॉर्ट साइन दे रही थी कि मैं हूँ फ़लाँ फ़लाँ और मैं हूँ पहली अपनी कम्युनिटी की आर्मी ऑफिसर तो वहाँ पे वो जो ओरिजिनल अगर ये ओरिजिनल स्टोरीज थी तो उन ओरिजिनल वालों को भी दिखा दिया जाता या ये चीज़ उनसे करवा ली जाती सो so, भी ये था हमारा सिम्ते का एक छोटा सा रिव्यू जब तो आपने सिर्फ यहां देखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस ड्रामा में कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा पसंद आई कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया और अगर कुछ ना पसंद आया तो वो भी हमें बताइए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से ड्रामा का रिव्यू देखना चाहेंगे अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो नीचे लाइक के बटन को दबा दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा